आज मैं आपको पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। ये एक बहुत ही सिंपल डिवाइस है जो कोविड के स्क्रीनिंग में हमें बहुत यूज़फुल हो सकती है, ख़ास करके जो हाई रिस्क भाई बुज़ुर्ग लोग हैं, जो व्यक्तियाँ जिनको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कैंसर, इनको ख़ास करके स्क्रीनिंग में बहुत हेल्प हो सकती है। क्योंकि इससे हमें पता चल सकता है कि आपका ऑक्सीजन लेवल क्या है। बिकॉज कोविड में अगर आप देखेंगे तो शुरुआती में जब निमोनिया की शुरुआत होती है तो ऑक्सीजन कम होता है, लेकिन उस व्यक्ति को पता नहीं चलता कि उसका ऑक्सीजन कम है। जब वो बढ़ने लगता है या ज़्यादा हो जाता है तब उनको जाके सांस की प्रॉब्लम होती है। इसलिए अगर पहले से स्क्रीन किया जाए, सही वक्त पे ऑक्सीजन दिया जाए और सपोर्टिव केयर दिया जाए तो रिकवरी के चांसेस बहुत बेटर है। ये बहुत सिंपल है, कोई भी मेडिकल स्टोर में अवेलेबल है, आप बाय कर सकते हैं और स्क्रीनिंग कर सकते हैं, खास करके हाई रिस्क लोगों के लिए। इसमें एक छोटा सा बटन होता है, इसको हम ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद में ये बताएगा आपको फिंगर आउट, फिर अंदर एक लाल लाइट होती है। ये लाइट हमको पेशेंट के नाखून वाले साइड पे लगानी है। ये हमको दो रीडिंग्स बता रहा है, एक है SpO2, इसका मतलब है शरीर में, खून में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, ये हमेशा 95 से ऊपर होनी चाहिए। दूसरा जो है पल्स रेट, यानी दिल की धड़कन कितनी तेज है, ये आमतौर पे 60 से 100 के बीच में होती है। अगर SpO2 जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन है ये 90 से कम है तो हमारे पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ये 100 से अगर ज़्यादा है मतलब पेशेंट की दिल की धड़कन नॉर्मल से तेज़ हो गई है। तो अब हम आपको आगे बताएंगे कि पेशेंट को इसको यहीं पर लगा रहने देना है और अब हमें आगे पेशेंट का ऑक्सीजन का कैनुला लगाना है। ये प्लास्टिक का डिस्पोजेबल ऑक्सीजन कैनुला होता है, इसमें आगे की तरफ दो छोटी नलियां होती हैं। ये हम इसको पहले लूज करेंगे, लूज करने के बाद इसको पेशेंट के सर के किनारे से आगे ले जाएंगे, फिर इनको हल्के से पेशेंट की नाक में डाल दिया, उसके बाद पीछे से इसको टाइट किया ताकि वो अपनी जगह बनी रहे। इसके बाद हमें ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में बताते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर के तीन हिस्से, सिलेंडर में नीचे से ब्लैक होता है, ऊपर व्हाइट कॉलर होता है। इसके फ्लो मीटर अपैरेटस में तीन हिस्से होते हैं, ये फ्लो मीटर है, ये वैल्व है और ये प्रेशर गेज है। फ्लो मीटर, जब मैं इस वैल्व को घुमाता हूं तो ये एक लीटर में कितनी ऑक्सीजन जा, एक मिनट में कितना लीटर ऑक्सीजन जा रही है वो बता रहा है। जैसे अभी मैंने इसको 4 पे स्टार्ट किया है, ये प्रेशर गेज बता रहा है कि सिलेंडर में ऑक्सीजन कितनी बाकी है। इसके साथ में ये एक चाबी होती है, चाबी से हम जब सिलेंडर का काम नहीं है तो हम उसको ऊपर से लॉक कर सकते, बंद कर सकते हैं या खोल सकते हैं। ऑक्सीजन शुरू करने के बाद हमें वापस से एक बार पल्स ऑक्सीमीटर को देखना है कि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी है या नहीं। यानी अगर ये पहले 70, 80 या 60 थी तो अगर 90 हो गई है मतलब हमने पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन स्टार्ट किया है। अगर फिर भी ये कम है तो हमें ऑक्सीजन का फ्लो और थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। तो ये, और जब हम ये कर रहे हैं तब हमें साथ ही साथ डॉक्टर को अप्रोच करना है। वाइल यूजिंग इट थोड़ा हमें हाइजीन का ख्याल रखना है, बिकॉज दैट इज़ वॉट दिस इज ऑल अबाउट। तो अगर पल्स ऑक्सीमीटर यूज़ करने से पहले जो पल्स ऑक्सीमीटर यूज़ कर रहे हैं उन्हें ग्लव्स पहनना चाहिए, जिसका भी चेक कर रहे हैं आइडियली उनका हैंड सैनिटाइज होना चाहिए, फिर आप उस फिंगर को आपके पल्स ऑक्सीमीटर में डालिए। आफ्टर यूजिंग इट द हैंड शुड बी सैनिटाइज अगेन, और नेक्स्ट पर्सन या अगले व्यक्ति के पास जाने के वक्त उसका भी हैंड सैनिटाइज होना चाहिए। तो ये डिस्टेंस मेंटेन करना है कम से कम 3 फीट का, सो दैट टू मच क्लोजनेस इज ऑल्सो नॉट देयर। डिस्टेंसिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें मास्क जो दोनों व्यक्ति जो पल्स ऑक्सीमीटर से चेक कर रहा है और जिसका हो रहा है, उन दोनों को मास्क भी पहनना है और डिस्टेंस मेंटेन करना है। ऑक्सीजन के भी डूज एंड डोंट्स है। अगर कॉन्सेंट्रेटर यूज़ करते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं है, बट इफ़ यू आर यूजिंग अ सिलेंडर देन इट इज़ अ फायर हजार्ड और आग लगने का रिस्क होता है, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। सो कॉन्सेंट्रेटर इज सेफ, बट कभी इलेक्ट्रिसिटी ना हो, इमरजेंसी हो, देन ऑक्सीजन सिलेंडर कैन बी वेरी वेरी हेल्पफुल।
उसको सही जगह स्टोर करना है, उसको यूज़ जो आपको बताया गया है उस तरह उसे सही तरीके से आपको यूज़ भी करना है।